जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशल होने वाला है, आप जितने भी मेरे भाई जो किसी भी फोर्स में ज्वाइन करने वाला, चाहिए वो आर्मी हो, BSF, CRPF, ITBP, CISF, किसी भी फोर्स में जो लगने वाले हैं, चाहे SSGD के थ्रू या आर्मी के थ्रू, तो उनके जो पहले दिन का जो रूटीन होता है वो क्या होता है, सभी को ये लगता है कि पहले दिन पता नहीं उनके साथ में क्या होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पहले दिन रहेंगे उसके बारे में ये वीडियो है कि आपका जो फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग और फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। साथ ही जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी, जिसमें मैथ और रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू चल रही है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस साल में जो नई नई वैकेंसी आने वाली है, यानी हर मंथ और साल की सबसे बड़ी वैकेंसियाँ, या हर महीने में कौन सी नई वैकेंसी आ रही है उसके बारे में अपडेट पाने के लिए आप उस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है दोस्तों। बात करते हैं कि आपका जो फर्स्ट डे होता है ज्वाइनिंग का, वो उसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों कईयों को लगता है कि जो फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग होता है वो फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग होता है, मतलब कि ट्रेनिंग के पहला दिन की तरह होता है। नहीं दोस्तों, ज्वाइनिंग अलग जगह होती है, ट्रेनिंग अलग जगह होती है। ज्वाइनिंग आपकी ग्रुप सेंटरों में होती है, या जो भी आपके जो बेस सेंटर होते हैं बड़े, वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होती है, जबकि ट्रेनिंग आपकी ट्रेनिंग सेंटरों से स्टार्ट होती है। ग्रुप सेंटरों से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती, ना ही ट्रेनिंग के दिन काउंट होते हैं वहाँ से। आपको कोई बताता होगा जैसे आपकी जिस दिन ज्वाइन कर लोगे उसके 6 महीने बाद आप छुट्टी आ जाओगी। नहीं दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपकी ट्रेनिंग 1 महीने बाद शुरू होती है, कई बार 2 महीने बाद, 3 महीने, 4 महीना भी लग जाता है। तो जो आपका सबसे पहला दिन रहता है वो रहता है ग्रुप सेंटर में। जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका पहला दिन रहता है ग्रुप सेंटर में। तो पहले दिन क्या क्या कार्रवाई होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों। सबसे पहले जैसे आप अपने ग्रुप सेंटर में पहुँचते हो, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर लेके आप जो जाते हो उसको जमा करते हैं, उसके साथ में आपका नाम नोटिस कर लेते हैं, ये बंदा आपकी पूरी की पूरी डिटेल की समरी बना लेते हैं। जैसे आप वहाँ समरी अपनी पहुँचोगे, आपको लिए बिस्तर विस्तर बता देंगे कि आप यहाँ पर अपना सामान रखिए और आ जाइए ग्राउंड में। तो पहले दिन आपको वहाँ बुला लेते हैं, फिर छोटा मोटा जो भी आपको एक बार चला ला के, जैसे मैंने बताया कि जो ऊपर से शारीरिक तौर पर जो मेडिकल होता है कि आपको चला के भगा के देख लेते हैं कि यहाँ कहीं चोट चाट तो नहीं है, या कोई आपका बैग चेक कर लेते हैं, बैग में कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ तो नहीं लेके आया, आपका बैग भी वहाँ पर चेक हो जाता है एक बार अच्छे से, और आपको खुद को एक बार चेक कर लेते हैं सरसरी तौर पे कि कहीं चोट वोट तो नहीं है। सबसे पहली कार्रवाई ये होती है। उसके बाद में आपके सभी डॉक्यूमेंट के साथ में आपको ऑफिस में बुलाया जाता है और आपके फॉर्म सबमिट किया जाता है। हाँ, खाना वाना आपको टाइम टू टाइम खिलाया जाता है उस बीच में, फिर आपके वहाँ पर फॉर्म सबमिट कराते हैं। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होता है, सबसे पहले आपको बार्बर की शॉप पर लेके जाते हैं। सबसे पहला काम यही होता है कि ज्वाइनिंग के दिन सबसे पहले आपको, जैसे ही आपका फॉर्म का काम कंप्लीट होता है, इधर से आपको फॉर्म जमा और दूसरी साइड से आप सीधे बार्बर शॉप पे और मशीन शुरू। तो दोस्तों उस दिन जो मशीन शुरू होगी वो आपके 12 महीने मतलब जिस दिन आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होकर आप किसी सर्विस बटालियन में ड्यूटी के लिए जाओगे, उस दिन तक वो मशीन ऐसे ही चलती रहेगी। ट्रेनिंग में हर सात दिन से आपके ट्रिमर, हर 7 दिन से आपकी ट्रिमर लगती रहेगी और इतने छोटे छोटे बाल आपके हो जाएंगे, जितने भी घने घने आपके बाल है उसको इतने छोटे छोटे से बालों में कर देंगे। जो सबसे पहला काम होता है वो यही होता है। उसके बाद में फिर आपको पहचानने के लिए कोई ना कोई आपको ड्रेस कोड इशू कर दिया जाता है कि भाई आप इस ड्रेस कोड में रहोगे, ताकि पता चले कि नए वाले जो रिक्रूटमेंट आया है, नए जो भर्ती हुए हैं कौन कौन से, तो उसका आपको एक ड्रेस कोड दे देते हैं पहले दिन। उसके बाद में पहले दिन जैसे आपको आवश्यक जो सामान है, कई लोग जो सामान जैसे बिस्तर कुछ जो सामान आपको जो इशू होगा उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान है कि जो आपको नेसेसरी है कि मतलब वो आपको आज मिल जाना ज़्यादा बेटर होगा, तो कई बार आपको वो सामान पहले ही दिन दे देते हैं दोस्तों। जैसे बिस्तर लगाने के लिए कंबल हो गया, या मच्छरदानी हो गई, कई जगह ऐसे काफ़ी मच्छर होते हैं, तो आप घर से तो मच्छरदानी लेके जाते नहीं हो, क्योंकि घर पर बहुत कम लोग मच्छरदानी यूज़ करते हैं, नॉर्थ की साइड में तो बहुत कम ही यूज़ करते हैं मच्छरदानी। तो आप वहाँ पर जैसे जाओगे आपको मच्छरदानी या कंबल वंबल या प्लेट वलेट जो नेसेसरी चीज़ है वो उसी दिन दे देते हैं। कई बार एक दो दिन टाइम लग जाता है, लेकिन कई बार उसी दिन दे देते हैं दोस्तों। उसके बाद में आपके पहले दिन की ये प्रक्रिया हो जाती है, ये होता है ज्वाइनिंग का पहले दिन। फिर आपको ब्रीफ कर देते हैं कि भाई आप किस फोर्स में, फोर्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देते हैं कि इस फोर्स का ये काम है, आप पूरी की पूरी तरह से आपको ब्रीफ कर देते हैं उस फोर्स के बारे में। उसके अलावा फिर आपको कैंप विजिट, यानी जिस कैंप में आप ज्वाइन कर रहे हो उस कैंप का विजिट करवाते हैं कि इधर ये कौन सा कैंप है, ये कौन सा गेट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, वहाँ पर का पूरा आपका विजिट होता है कैंप का। वो 1 से 2 दिन चलता है, आपको पूरा कैंप दिखाया जाता है कि भाई इस प्रकार से आपका एक कैंप है, यहाँ पर आपने ज्वाइनिंग की है, इस फोर्स का ये काम है, मतलब 1 से 2 दिन तक आपको इसके बारे में ब्रीफ करते रहते हैं कि ऐसे ऐसी जॉब है, ये ऐसे ऐसे काम करती है और ये आपका कैंप है दोस्तों। तो पहले ज्वाइनिंग वाला जो दिन होता है उसमें ये सब कार्रवाई होती है दोस्तों।
साथ में छोटा मोटा आपको से काम भी करवाया जाता है, कुछ भी काम करवा सकते हैं छोटा मोटा, जैसे कहीं ग्राउंड में भेजना या कुछ सामान मंगवाना, छोटे मोटे इस प्रकार के काम आपको करवाया जाता है ताकि आप ग्रुप में घूम भी लो जो सेंटर है आपका, और छोटे मोटे वहाँ पर काम भी आप कर सको। इसके बाद में जैसे आपका वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर से काम सॉरी ज्वाइनिंग सेंटर ग्रुप सेंटर उससे काम कंप्लीट हो जाता है, आपके सभी के फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में जब डिमांड आती है ट्रेनिंग सेंटर से तो ग्रुप सेंटर से आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाता है पूरे सामान के साथ। आपको जितना भी किट का जो सामान मिलना है वो सभी का सभी ग्रुप सेंटर में ही मिल जाता है, चाहे आपकी वर्दी हो, चाहे खाकी वर्दी हो, कॉम्बैट वर्दी हो, जूते शूज चप्पल बनियान वनियान जितने भी जो सामान। तो दोस्तों किट में क्या क्या सामान मिलता है इस पर मैंने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप जाके भी देख सकते हो, मैं लास्ट वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो कि किट में क्या क्या सामान मिलता है। तो जितना भी आपको किट में जो सामान मिलता है वो सामान वहीं पे ही सो जाता है आपके ग्रुप सेंटर में, फिर उसके बाद में आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग सेंटर। अब ट्रेनिंग सेंटर में आपका पहला दिन कैसा होता है दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि पहला दिन सबसे हार्ड होता है ट्रेनिंग सेंटर का, या बहुत हार्ड होता है, या ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते पहले दिन से, या जो पीटीआई उस्ताद होते हैं वो मतलब मारा पिटाई की आपने बहुत चर्चा सुनी होगी। तो बात करते हैं पहले दिन ट्रेनिंग का क्या होता है। जब आप जैसे ही वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचते हो एक दिन तो आपको लग जाता है एडजस्ट करने में कि आपको यहाँ पर बिस्तर लगाना है, या आपका विंग है, या आपको यहाँ ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद में जो पहला दिन जैसे शुरू होता है सुबह से, तो सुबह से मार्के से फिर आपको सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कैंप विजिट। हेयर कटिंग चलती रहती है, उतने ही बाल रखने देते हैं ट्रेनिंग में भी, तो सबसे पहले आपको ग्रुप बना के पूरा कैंप के विजिट कराते हैं कि ये आपका कैंप है, इधर आपकी ट्रेनिंग होगी, इधर आपकी फिजिकली ट्रेनिंग होगी, इधर आपकी आर्म ट्रेनिंग होगी, यहाँ फायरिंग होती है, ये होता है आपका पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग जो सेशन है उसके बारे में बताया जाता है, ये आपका ट्रेनिंग सेंटर है, ये दूसरे ग्रुप का ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी, यहाँ पर आपकी ड्रिल चलेगी, सब कुछ आपको पूरा का पूरा कैंप विजिट कराते हैं पहले दिन। फिर आपको ट्रेनिंग के बारे में ब्रीफ करते हैं कि आपको ट्रेनिंग कैसे करनी है, फिर आपसे काबिलियतें पूछते हैं आपकी कि भाई आप में कौन सी काबिलियत है, कौन सी काबिलियत आप कर सकते हो, कंप्यूटर चलाना आता है नहीं आता, या आप फिजिकल अच्छा कर लेते हो, रनिंग अच्छा कर लेते हो, या गेम अच्छा खेलते हो, ये सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाता है और फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। फिर वहाँ पर भी आपकी पूरी की पूरी डिटेल लिखी जाती है कि क्या नाम है, एज वेज, टोटल आपके ग्रुप कहाँ से हो कहाँ से नहीं, पूरी की पूरी जो डिटेल है वहाँ पर लिखी जाती है। उसके बाद में सुबह हल्की रनिंग होती है, जो पीटी पीरियड होते हैं उसमें, पीटी के जो दो पीरियड होते हैं उसमें हल्की नॉर्मल रनिंग होती है, पहले दिन ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती है, केवल नॉर्मल रनिंग होती है, और आपको कैंप का विजिट कर देते हैं। फिर उसके बाद में ग्राउंड में आपको बताया दिया, उसके बाद में आपकी जो ब्रीफिंग होती है मेन, चाहे वो सीओ सर की हो, डीआईजी सर की हो, आपकी जो मेन ब्रीफिंग होती है वो ब्रीफिंग होती है सबसे पहले कि भाई आपको इस प्रकार से ट्रेनिंग करना है, ये ट्रेनिंग सेंटर ऐसा है, आपको इस प्रकार से ट्रेनिंग में ध्यान देना है, या ऐसे उस्तादों के साथ व्यवहार होना चाहिए, ऐसे वर्दी पहननी है। उसके बाद में जैसे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जैसे ये काम होने के बाद में जब फर्स्ट डे जब ट्रेनिंग का शुरू होता है तो सबसे पहले आपको सिखाया जाता है वर्दी पहनना, कि वर्दी सबसे पहले कैसे पहनते हैं, वर्दी पहनने का तरीका क्या होता है, कौन सा चीज़ पहले पहनते हैं, जुराब पहले पहनते हैं, पेंट पहले पहनते हैं, शर्ट पहले पहनते हैं, बटन कौन से बंद करते हैं, ऊपर से बंद करते हैं, नीचे से बंद करते हैं, बेल्ट को कैसे लगाते हैं, किस प्रकार से टाइट करते हैं, कैप को कैसे लगानी है, कितने एंगल पर टोपी लगानी है, ये सब चीज़ें आपको पहले दिन सिखाई जाती हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको हर रोज़ वर्दी पहननी है, अगर आप गांगे बांगे दिखोगे तो कितना बुरा लगे, इसलिए सबसे पहले आपको जो चीज़ सिखाई जाती है वो होती है वर्दी पहनना, वर्दी पहनने का तरीका कि किस प्रकार वर्दी पहनें। और ट्रेनिंग के दौरान कई बार ड्रिल होती है एक मिनट में वर्दी चेंज करने की, तो सबसे पहले आपको वर्दी पहनना सिखाया जाता है दोस्तों पहले, तो आपको जैसे वर्दी पहनना सीख जाते हो कि हाँ इस प्रकार से वर्दी पहनते हैं, इस प्रकार से बेल्ट लगाते हैं, इस प्रकार से ये लगाते हैं, इसको टाइट कैसे करते हैं, और कैप कैसे लगाते हैं, कैप लगाने का सही तरीका क्या है, उसमें बेस कहाँ लगाते हैं, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से, नाम प्लेट कहाँ लगाते हैं, नाम प्लेट लगाने का सही तरीका कौन सा, ये कहाँ पर लगाते हैं, यहाँ जो बेस लगता है वो कितनी दूरी पर लगता है यहाँ से कंधे से, और सब प्रकार से आपको वर्दी का डिसिप्लिन सिखाते हैं कि इस प्रकार से वर्दी पहनना है दोस्तों। तो ये ट्रेनिंग में पहले दिन होता है, उसके बाद में गेम होता है शाम के टाइम, और बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से पहला दिन आपका गुजरने वाला है, तो कोई हार्ड नहीं है, कोई इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सेम जो मैंने बताया इसी प्रकार से आपका ट्रेनिंग सेंटर। हाँ एक चीज़ और, फिर जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे आपके ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, जैसे 400 बंदे जाओगे तो उसमें 20-20 के 20 ग्रुप डिवाइड कर देंगे, वो ग्रुप कैसे डिवाइड होते हैं उसका एक अलग तरीका होता है ग्रुप डिवाइड करने का, ऐसा नहीं कि आप दो एक गांव के तो एक ग्रुप में आ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। जिसको स्क्वाड बोलते हैं वो उस्ताद लोग आपको बिठा कर स्क्वाड बनाते हैं अपने हिसाब से, एज वाइज पहले एज वाइज बिठाते हैं, कई नाम वाइज बिठाते हैं, तो उस हिसाब से बिठा के फिर वो ग्रुप डिवाइड करते हैं, फिर आपको फिर पूरी साल उसी ग्रुप में ट्रेनिंग करनी है। आपका जो ग्रुप रहेगा वो नाम रहेगा, जैसे एक नंबर स्क्वाड, दो नंबर स्क्वाड, तो उसी स्क्वाड के साथ आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग करनी है दोस्तों। इस प्रकार से आपके स्क्वाड डिवाइड कर देते हैं पहले दिन से, फिर उसका एक स्क्वाड सीनियर बनाते हैं कि ये सीनियर रहता है, वो सेवन
मतलब एक वीक के लिए वो सीनियर बनता है, कई बार दो वीक के लिए बनता है, फिर आपके जो पूरे लोग हैं जितने 400 उनका एक विंग सीनियर बनाते हैं लड़के को, वो सभी का सीनियर, फिर जैसे पूरी विंग में तीन कंपनियां, तो तीन कंपनियों के तीन कंपनी सीनियर बनाते हैं, वो सब आपकी कार्रवाई होती है पहले दिन। तो ये आपके ट्रेनिंग का पहले दिन जाने वाला दोस्तों इस प्रकार से, और ज्वाइनिंग का पहला दिन। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।